करेंगे। मेरे पास है डेल एनएक्सपीएन का लैपटॉप है और इसका प्रॉब्लम देख सकते हो, द एप्लीकेशन वॉज अनबल टू कनेक्ट, इसमें कुछ एरर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर बेसिकली किस वजह से आ रहा है, ये विंडोज अपडेट हो रहा था और बीच में इसका इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, जिस वजह से ये एरर आ रहा है। तो आज हम इसी एरर को फिक्स करेंगे। इस प्रॉब्लम की वजह से कोई सा भी ऐप काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं सेटिंग ओपन किए बट वो काम नहीं कर रहा है, कोई सा भी ऐप काम नहीं कर रहा, ना वीडियो चल रहा ना ऑडियो चल रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बेसिकली फिक्स विंडोज का रीइंस्टॉल करने के बाद ही किया जा सकता है। आज हम विंडोज को रीइंस्टॉल करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अब मेरे वीडियो में बनी रहिए। सबसे पहले आप सारा डाटा का बैकअप ले लीजिए और उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए। इसमें देखिए ये शट डाउन भी नहीं हो रहा, इस प्रॉब्लम की वजह से शट डाउन नहीं हो रहा और ना ही रीसेट हो रहा है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो रीसेट नहीं हो रहा है या शट डाउन नहीं हो रहा है, तो आप बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको जो उसका पावर बटन है उसको 5 से 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है, देन ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। एक डिक साउंड आएगा और ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। चलिए मैं इसको शट डाउन कर लेते हैं, देख सकते हैं ये पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। देन विंडोज रीइंस्टॉल करने के लिए आपको पास एक पेन ड्राइव होना जरूरी है। मैंने सैनडिस्क का 32 GB का पेन ड्राइव यूज किया है और मैंने इसको बूटेबल ऑलरेडी बना चुके हैं। आप बूटेबल बनाने के लिए सीडी का भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं पेन ड्राइव से बूटेबल बनाऊंगा। अब पेन ड्राइव को आप अपने पीसी में इंसर्ट कर लेना, जैसे कि इंसर्ट कर लिया है, अपना चार्जर केबल का भी इंसर्ट कर लेना है। अलग अलग लैपटॉप का बूट मेनू ओपन करने के लिए अलग अलग किया होता है, मेरा जो कि डेल का है इसीलिए एप्पल इसे बूट मेनू ओपन होता है। बूट मेनू ओपन करने के लिए पावर बटन का प्रेस करना है और एकदम से तुरंत से जाके ऐप को प्रेस करना है, प्रेस करना ही छोड़ना है, प्रेस करना छोड़ना है जब तक कि स्क्रीन पर लोगो ना आ जाए। अब देख सकते हैं डेल का लोगो आ चुका है। इसमें लैपटॉप का माउस काम नहीं करेगा, आपको अपने कीबोर्ड से डाउन एरो से नीचे आना है और अपना ड्राइव सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है प्रेस एनी की और USB, कोई सा भी की को प्रेस करना है और अब देख सकते हैं विंडोज का लोगो आ चुका है, कुछ देर वेट करना होगा। देन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ। देख सकते हैं सेटअप स्टार्टिंग, सेटअप स्टार्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख सकते हैं आ रहा है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, आपको इसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना और चेक पर ले आके नेक्स्ट कर देना है। अब सिंपली आपको नीचे वाला पर क्लिक करना है। अब आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है, विंडोज बेसिकली सी ड्राइव पर इंस्टॉल होता है। अगर आपको नहीं पता है कि पार्टीशन कैसे किया जाता है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि पार्टीशन कैसे। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब देख सकते हैं ये पहला वाला पर चेक मार्क लग चुका है, ऐसे ही सारा पर चेक मार्क जब लग जाएगा तब आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये देख सकते हैं 1% हो चुका है, ये सारा पर जब चेक मार्क लग जाएगा तब आपका इंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खोल के आएगा जिसको आपको फिलअप करना है, हमने उसको हाइड कर दिया है। आपको फिलअप करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट होना शुरू हो चुका है, तो ये ओपन भी हो चुका है। अब देख सकते हैं इसका लोगो स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें मेरा नाम भी शो हो रहा है जब हम उस टाइम डाले थे वो नाम, और आप देख सकते हैं आपके सामने एकदम फ्रेश विंडोज इंस्टॉल होके
आ चुका है, आप देख सकते हो तो रेस डेस्कटॉप पे। अब हम डेस्कटॉप पर उस विंडोज के आइकन को लाएंगे। सबसे पहले हम माई कंप्यूटर या दिस पीसी को लाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फाइल एक्सप्लोर पर जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस पीसी पर राइट क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पर ला के छोड़ देंगे। देख सकते हैं दिस पीसी का आइकन डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब हम उसको अपने टेक्स्ट बार में भी ऐड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और भी हम यूजफुल और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। People always talk about my come up, come up. Cause I've been going hard every summer. Pussy wanna talk about numbers. But you manage your buy and swipe, show so bummy, ain't nobody out now.